तो डेयर स्टूडेंट ये है बी ए बी एस सी बी कॉम के सेकेंड सेमेस्टर का को करिकुलर यानी अनिवार्य प्रश्न पत्र का पूरा का पूरा मॉडल पेपर क्वेश्चन पेपर जिसका नाम है फर्स्ट एड एंड हेल्थ जिसको हिंदी में बोलते हैं प्राथमिक चिकित्सा एम हेल्थ प्राथमिक चिकित्सा एम स्वास्थ्य ठीक है और ये जो पेपर होता है ये आपका ऑब्जेक्टिव होता है यानी सारे क्वेश्चन आपको इस तरीके के आते हैं क्वेश्चन चार ऑप्शन रहेंगे जो सही हो रहेगा उसे टिक करना होगा हर सेमेस्टर में आपको हर एक को कोकरिकुलर सब्जेक्ट की परीक्षा देनी होती है ठीक है तो सेम टू तो सेम आपको इसमें भी देनी होगी तो चलिए हम पूरा मॉडल पेपर प्रस्तुत कर रहे हैं ऐसा ही पेपर जब पेपर देने जाएंगे को कोक्रिकुलर का तो पहला पेज आपको इसी प्रकार का देखने को मिलेगा ठीक है सौ नंबर का पूर्णांक होगा और करीब करीब आपको दो घंटे मिलते हैं ठीक है और इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन है वो आपकी परीक्षा में आने को उम्मीद है आपको आइडिया लगेगा प्लस आपको इस वीडियो हम बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक भी बता रहे हैं बताएंगे कि आप कम तैयारी करके भी या फिर आपने एक दिन पहले तैयारी की है तो आप लोग आसानी से कैफे अच्छे नंबर ला सकते हैं पासिंग नंबर ला सकते हैं तो वो ट्रिक बहुत ही ज़बरदस्त है हंड्रेड परसेंट वर्किंग है वो बताएंगे हम ठीक है तो चलिए बढ़ते हम क्वेश्चन की ओर एक तरह आपको इंग्लिश में क्वेश्चन दिए जाएंगे एक तरफ हिंदी में दिए जाएंगे जो आप जिस भी लैंग्वेज में आपको अच्छा लगे या फिर आप जो भी लैंग्वेज प्रेफर करते हो उसमें बेशक आंसर दीजिएगा कोई मतलब कि क्वेश्चन चाहे हिंदी में पढ़िए चाहे इंग्लिश में पढ़िए जो आपका बेटर हो उसमें पढ़िए हम तो हिंदी लेकर चलेंगे चलिए पहला क्वेश्चन है कि फर्स्ट एड फर्स्ट एड जो है ये आपके प्रश्न पत्र का नाम है ठीक है प्राथमिक चिकित्सा फर्स्ट एड शब्द पहली बार कब प्रकाशित हुआ या फिर कब प्रकाश में आया था इसकी शुरुआत कब से हुई ठीक है फर्स्ट एड शब्द की वर्ड की तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिए कि जो सही होगा उसे आपको टिक करना होगा तो आपकी जानकारी के लिए दे सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बहुत सारे ऑप्शन दिए जाएंगे चार ऑप्शन इसी तरह ठीक है जो सही होगा उसे ही टिक करना होगा आपको तो सही जवाब हो जाएगा अठारह सौ सत्तर ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई थी ये प्रकाशित हुआ था ध्यान रखेंगे अगला प्रश्न है कि आधुनिक प्राथमिक चिकित्सा का संस्थापक किसे माना जाता है यानी कि लेटेस्ट जो फर्स्ट एड है इसका जो संस्थापक है या फादर है पिता है प्राथमिक चिकित्सा की शुरुआत जिन्होंने की है उनका क्या नाम है ठीक है क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे उसी के बाद उत्तर देंगे यहाँ पर आधुनिक आधुनिक प्राथमिक चिकित्सा का संस्थापक का नाम पूछा जा रहा है ठीक है तो आधुनिक प्राथमिक चिकित्सा के संस्थापक हैं फ्रेडरिक एस्मार्च कौन है फ्रेडरिक एसमार्च हैं आधुनिक प्र, प्राथमिक चिकित्सा के संस्थापक अगर यही क्वेश्चन होता कि प्राथमिक चिकित्सा के संस्थापक कौन है आधुनिक ना होता इतना ना होता ठीक है इतना ना होता और लिखा होता प्राथमिक चिकित्सा के संस्थापक किसे माना जाता है फिर कौन है तो वहाँ पर आप लोग सिलेक्ट करते हैं हिप ठीक है हिप्पोक्रेट तो इस बात को ध्यान रखेंगे प्राथमिक चिकित्सा के संस्थापक हिपोप क्रेट हैं और आधुनिक प्राथमिक चिकित्सा के संस्थापक फ्रेडरिक स्मार्च हैं इस बात को ध्यान रखेंगे बहुत ही यहाँ पर आपको ध्यान देना है ठीक है वरना कन्फ्यूज हो जाएंगे अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अगला प्रश्न है कि क्रॉस सोसाइटी के अनुसार प्राथमिक उपचार पेटी कितने प्रकार की होती है पेटी का मतलब हो गया आपका जो होता है वो आ, बॉक्स बॉक्स ठीक है जो डॉक्टरों के पास बॉक्स रहती, रहती है उसमें बहुत सारे उनके औजार और मेडिसिन कुछ रहती हैं ठीक है तो वही बताया जा रेड क्रॉस सोसाइटी के अनुसार प्राथमिक उपचार पेटी कितने प्रकार की होती हैं तो ध्यान रखेंगे सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ठीक है दो होती हैं दो प्रकार की ध्यान रखेंगे अगला है कि फायरमैन किस तकनीकी से व्यक्ति को सुरक्षित स्थान पर ले जाता है फायरमैन जो जब आग कहीं पर लग जाती कोई फैक्ट्री कोई कंपनी है कोई घर में तो वहाँ पर फायरमैन आते हैं यानी जो आग ठीक है जिसको आप लोग बोलते हैं आग आ, बुताते हैं ठीक है पानी से और साथ साथ में अगर कोई अंदर फंसा है तो उसको साथ साथ में भी बचाते हैं अंदर जाके तो जब अंदर कोई फंसा है और आग लगी तो कोई अंदर फंसा तो उस व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुका है काफ़ी ज़्यादा जल भी चुका है तो उसको कैसे उठा कर लाते हैं कैसे किस प्रकार से सुरस्थित स्थान पर ले जाते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं आपको ध्यान रखना है कंधों पर उठाकर ले जाते हैं छत के नीचे फेंक कर जोर से घसीट कर तो वो क्या करते कंधों पर उठाकर ले जाते हैं इसलिए सही जवाब आ होगा सिचुएशन होने पर वो छत के नीचे भी फेंक सकते हैं ज़ोर से घसीट भी सकते हैं क्योंकि जब ज़्यादा लोग होंगे तो वो आपको झुलसने से बचाने के लिए फेंक भी सकते हैं कम से कम टूटे फूटे का ही कम से कम जलेगा तो नहीं मरेगा तो नहीं इसलिए सिचुएशन कुछ आ जाती है तो वो घसीट भी सकते हैं और छत के नीचे से भी फेंक सक फेंक मतलब कि फेंक देते हैं ठीक है तो मतलब तो नॉर्मल छत पे फेंकने की चार मंजिल से फेंक दे पता चले आप मरीज जाए तो क्या फ़ायदा उससे ठीक है तो ध्यान रखेंगे सही जवाब फिलहाल आप कंधों पर उठा कर ले जाते हैं ठीक है इस बात को ध्यान रखेंगे आगे? अगला प्रश्न है कि पट्टिया कितने प्रकार की होती है पट्टिया जो आप लोग जब किसी भी ए, मेडिकल शॉप पे या फिर किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो आप कहीं हड्डी आपकी टूट जाती है फिर आपको कहीं चोट लग जाती है घा हो जाता है ब्लड निकलने लगता है ठीक है तो वहाँ पर डॉक्टर क्या करता है पट्टी आपको मलहम लगा के पट्टी मानता है ना तो वही पट्टी पूछ रहा है कि वो पट्टियाँ कितने प्रकार की होती हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान रखेंगे सही जवाब आपको बताना होगा अगर मालूम हो है तो ज़रूर बताएँ सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीन ठीक है तीन प्रकार की पट्टियाँ होती हैं ध्यान रखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सी नंबर सही जवाब होगा ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन पट्टियों के प्रकार निम्न में से कौन पट्टियों के प्रकार के अंतर्गत नहीं आता मतलब कि एक ऐसा इसमें पट्टी है या फिर एक ऐसी इसमें चीज़ है जो पट्टियों के प्रकार होते उन उसमें नहीं आता है ठीक है बाकी सभी तो सिंपल सा ध्यान रखना है पट्टियाँ मुख्यतः तीन प्रकार की ही होती हैं ठीक है यहाँ पर लेकिन चार दिया गया है तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है सही जवाब इसका हो जाएगा बताइए कमेंट सेक्शन में सही जवाब इसका हो जाएगा गोल पट्टी गोल पट्टी नहीं होती बाकी ये सभी रोलर पट्टी no. त्रिकोण पट्टी और ट्यूबलेर पट्टी होती हैं गोल पट्टी की जानकारी नहीं है मुझे को ये नहीं होती बाकी सभी होती ठीक है ती? तीन प्रकार की होती हैं इसलिए यही तीनों थी हो गई अगला है कि रोलर पट्टियों का उपयोग किया जाता है मतलब जो रोलर पट्टियाँ होती है हैं उनका उपयोग किस लिए किया जाता है तो उनका उपयोग जो पैर की उंगली पर किया जाता है हाथ की उंगली पर किया जाता है ठीक है इसलिए सही जवाब हो जाएगा डी नंबर आ ए और बी दोनों क्योंकि ये दोनों सही हैं क्योंकि हाथ पर भी किया जाता है और पैर की उंगली पर भी किया जाता है रोलर पट्टी को पिक इसलिए सही जवाब हो जाएगा डी नंबर ध्यान रखेंगे अगला प्रश्न है कि रोलर पट्टियाँ कितने प्रकार की होती बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आया है रोलर जो पट्टियाँ हैं ध्यान रखेंगे वो दो प्रकार की होती हैं कितने प्रकार की होती है रोलर पट्टियाँ रोलर पट्टियाँ दो प्रकार की होती हैं इस बात को ध्यान रखेंगे बी नंबर सही जवाब होगा अगला कि अंग्रेजी के आठ यानी कि इंग्लिश में जो आठ वन टू थ्री फोर ठीक है फाइव सिक्स आप लोग लिखते हैं ठीक है फाइव है ठीक है सेवन है एट है नाइन है तो उसी में जो आठ होता है ये वाला इसके आकार की कौन सी पट्टी होती है ना अफसरों में से तो बताना है अगर आप लोग कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं तो मेरी जानकारी के अनुसार एक ट्यूबलर पट्टी होती वही ऐसे आठ के आकार की होती है ठीक है और त्रिकोण पट्टी भी कभी कभी कहा त्रिकोण पट्टी जो होती है ना वो आप देखते होंगे कि जब कोई किसी का हाथ टूट जाता है तो ठीक है कंधे से लेकर आपके हाथ को बांध देता ताकि आपका हाथ जो है नीचे ना जाए ऐसे टंगा रहे गले से बांध दिया जाता कि आप लोग ऐसे ठीक है हाथ बांधे रहें ठीक है एकदम नीचे ना करें हाथ ठीक है गले से लगा दिया जाता है और कंधे से अटैच करके तो आप लोग ऐसे हाथ ले रहे थे सीने के पास ठीक है तो सही जवाब इसका ट्यूबलर होगा ध्यान रखेंगे अगला क्वेश्चन प्रस्तुत है आप लोगों के समस्त त्रिकोण पट्टियों का उपयोग शरीर के किस भाग में किया जाता है तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिए गए जो सही उसे आपको बताना होगा बताइए कमेंट सेक्शन में अगर आपको मालूम तो बेसक बता सकते हैं तो सही जवाब आप फिलहाल इसमें हो जाएगा इनमें से कोई नहीं क्योंकि उसका उपयोग जो है त्रिकोण पट्टी का उपयोग जो है वो आपके गले से लेकर आपके हाथ तक किया जाता है जो त्रिकोण होती ताकि आपका जो हाथ है जो आपका घुटना है ठीक है हाथ का वो उसी में रखा रहे ठीक है तो यहाँ पर इनमें से कोई नहीं सही जवाब होगा ध्यान रखेंगे अगला प्रश्न है कि श्वसन प्रक्रिया के द्वारा मानव शरीर से क्या बाहर निकलता है ये सब क्वेश्चन पूछे गए थे ठीक है ध्यान रखेंगे तो श्वसन यानी कि जब आप सांस लेते हैं तो उसके द्वारा मानव शरीर से क्या बाहर निकलता है तो जैसे आपने साफ लिया अंदर गया उसके बाद साफ निकाले तो क्या हो गया कार्बन डाइऑक्साइड अगर क्वेश्चन होता कि आप श्वसन प्रक्रिया के द्वारा मानव शरीर में क्या अंदर जाता है तो वहाँ पर आप ऑक्सीजन सेलेक्ट करते हैं लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि श्वसन प्रक्रिया के द्वारा मानव शरीर से क्या बाहर निकलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग साफ लिए ऑक्सीजन गया छोड़े कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया तो ये बात ध्यान रखना है अगला कि श्वसन तंत्र मानव शरीर की कोशिकाओं को क्या पहुंचाता है तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिए गए जो आपको सही लगता है उसका जवाब देना होगा तो तंत्र मानव शरीर की कोशिकाओं तक जिस चीज़ को पहुंचाता है ध्यान रखना है वो है बताइए क्या पहुंचाता है कमेंट सेक्शन में बताइए बेशक बताइए जरूर जल्दी बताइए जल्दी बताइए फिर से क्वेश्चन पढ़ लीजिए तंत्र मानव शरीर की कोशिकाओं को क्या पहुँचाता है ऑक्सीजन पहुँचाता सी नंबर सही जवाब होगा अगला प्रश्न है कि श्वसन तंत्र सांस लेने के अलावा और किन कामों में मदद करता है तो तंत्र जो है सांस लेने के अलावा वो आपका आ जो है रक्त बनाने में भी इसका योगदान है इसलिए सही जवाब बी हो जाएगा ठीक है बनने में या फिर बनाने में अगला है कि कौन सा अंग श्वास प्रणाली का हिस्सा नहीं है मतलब कि सांस का हिस्सा नहीं है तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं जो सांस का एक हिस्सा नहीं है सांस प्रणाली का सांस सिस्टम का ठीक है आपके वो है नेफ्रॉन ग्रसनी स्वरयंत्र बोन्ची ये सभी आपके सांस यानी कि साँस प्रणाली के हिस्सा हैं नेफ्रॉन जो है ये नहीं है इसलिए सही जवाब डी होगा अगला है कि दहने फेफड़े में कितने लोब होते हैं बताइए कमेंट सेक्शन में तो ध्यान रखना है दहने फेफड़ों में जो लोब की संख्या है वो तीन है ठीक है सही जवाब इसका हो जाएगा बी नंबर कौन सा बी नंबर ध्यान रखना है कितने हैं तीन है ओके दहने फेफड़े में लोभ की जो संख्या है वो तीन है अगर यहीं पर क्वेश्चन होता कि बाएं फेफड़े में कितने लोग हैं ठीक है तो वहाँ पर आप लोग सिलेक्ट करते दो इस बात को ध्यान रखें दहने में तीन बाएं में दो ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अगला प्रश्न है कि जब शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो वह वा, वा वाली अवस्था क्या कहलाती है तो उस अवस्था को कहा जाता है जहाँ तक मुझे जानकारी है वो है श्वासावरोध ब नंबर सही जवाब होगा यानी कि बी नंबर अगला कि डूब रहे व्यक्ति को पानी से निकालने के बाद Uh, किस सतह पर उसे रखना चाहिए मतलब कि जब कोई व्यक्ति डूब रहा है डूबने के डूब रहा है तो उसको आप अगर आप निकाल रहे हैं तो निकालने के बाद उसको आप कैसे लेटाएँगे पीठ के बल निकालेंगे पेट के बल निकालें मतलब बैठाएँगे फिर लेटाएँगे साइड के बल लेटाएँगे या फर के बल लेटाएँगे तो ध्यान रखना है डूब रहे व्यक्ति को पानी से निकालने के बाद उसको पीठ के बल लेटाया जाता है ठीक है ध्यान रखेंगे ए नंबर सही जवाब अगला कि चेकिंग वह स्थित है जिसमें कोई बाहरी वस्तु श्वसन तंत्र के इस भाग में फंस जाती है तो ज्यादातर भैया श्वास नली में फंसती थी है ठीक है श्वास नली सही जवाब होगा ठीक है बी नंबर अब अगला प्रश्न प्रस्तुत है ध्यान रखेंगे कि दमा के क्या लक्षण होते हैं जिसको आप लोग दम बोलते दम घुटने लगे ठीक है तो दमा के लक्षण बताना है ठीक है तो दम की वजह से आप क्या होता है छाती में जकड़न भी हो जाती है बलगम जम जाता है खांसी भी आती है और अचानक हफना भी हो जाता है ये दम के लक्षण ठीक है बोलते नहीं कि इसको दम हो गया दम ठीक है लेकिन यहां पर साफ शब्दों में बोला जाता है दमा ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, को बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन कि हाईपोक्सिया क्या है तो ध्यान रखेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है हाइपोक्सिया जो है ध्यान रखेंगे बताइए कमेंट सेक्शन में अगर आपको राइट आंसर मालूम है तो बेसिक बताएं तो सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर शरीर में अमोनिया की कमी हाईपोक्सिया बीमारी है जो कि शरीर में जब ब्लड जो है वो नहीं पहुंचा पाता है शरीर में अमोनिया ठीक है तो ये शरीर में अमोनिया की जो अमोनिया होता है ये शरीर में ब्लड नहीं पहुंचा पाता है तो शरीर में अमोनिया की कमी होती है इस वजह से रोग हो जाता है अगला प्रश्न है कि सीलिया जो हमारे वायुमार्ग को साफ करने में मदद करती है श्वसन तंत्र के किस अंग में पाई जाती है ठीक है तो यहाँ पर बहुत पारे ऑप्शन समझे कि जो तो सही है उसे आपको बताना होगा ठीक है तो शीला जो हमारे वायु मार्ग को साफ़ करने में मदद करती है श्वसन तंत्र सूस्तंत्र किस अंग में पाई जाती है तो ये सिंपल सी बात है नोज में पाई जाती है यानी नाक में ठीक है अगला प्रश्न है कि मानव हृदय का वज़न कितना होता है तो ये आप गूगल करेंगे तो वहाँ पर आपको अलग अलग जानकारी मिलेगी लेकिन नॉर्मली जो औरज देखा गया है मानव हृदय का वजन बताइए कमेंट सेक्शन में अगर आपको मालूम तो ज़रूर बताएं तो फिलहाल सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 250 से 300 ग्राम लेकिन नॉर्मली अगर आप कहीं फर्ज़ कहेंगे दो से ठीक है तीन लेकिन यहाँ पर तीन तो है नहीं तो हम यही वाला फिलेक्ट कर देंगे लेकिन है तीन सौ तो है ना तो दो सौ पचास है एक आगे वाला तो सही लास्ट वाला पचास कम है लेकिन यहाँ पर कोई बात नहीं तो यही वाला आपको फिलेट करना दो सौ पचास से तीन सौ ग्राम अगर यही ऑप्शन दिखा तो अगला क्वेश्चन मानव हृदय में कितने चैम्बर होते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बताइए मानव हृदय में चैम्बर की संख्या बताना आप लोग चलिए कमेंट सेक्शन में बताइए तो सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चार नंबर ठीक है यानी कि चार होते हैं मानव हृदय में चैंबर कितने होते हैं जिनको कच्छ बोलते हैं चार होते हैं दो ऊपर दो नीचे ठीक है अगला कि मानव हृदय की लंबाई कितनी होती है तो आप लोग अलग अलग सर्च करेंगे तो अलग अलग इसका उत्तर पाएंगे लेकिन जो ज्यादा पुष्टि हुई है मानव हृदय की लंबाई जो है वो बारह सेंटीमीटर होती है ध्यान रखेंगे बारह सेमी अगला है कि शरीर के किस अंग से रक्त ऑक्सीजन युक्त होकर हृदय में आता है तो फिलहाल आप लोग यहाँ पर देख किडनी में नहीं जाएगा मस्तिष्क में नहीं जाएगा लीवर में नहीं जाएगा तो सिंपल सा उत्तर हो जाएगा फेफड़े ठीक है कहाँ से होकर फेफड़े से होकर ठीक है हृदय में आता है अगला प्रश्न प्रस्तुत है भैया कि त्वचा से खून कब निकलता है यानी कि जो आपकी बॉडी है या फिर आपके जो खाल है त्वचा उसमें से खून कब निकलता है मोच आने पर तनाव आने पर दबाव आने पर बिल्कुल गलत कटने पर ही ब्लड निकलता है ठीक है सी नंबर सही जवाब अगला के दिल का दौरा आने पर प्रभावित व्यक्ति को कौन सी दवा तत्काल आराम के लिए दी जाती है बताइए कमेंट सेक्शन में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है चलिए आपको कॉमन वैसे भी जानना चाहिए अगर कोई पेशेंट है रिफेल, रिलेफन में पड़ोस में घर में तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साबित है और वैसे भी आपको जानना चाहिए तो कौन सी दवा तत्काल आराम के लिए दी जाती है दिल के दौरा आने पर ठीक है या फिर जो दिल का दौरा जिसको मान लीजिए पीड़ित है व्यक्ति उसको ठीक है तो फिलहाल आपकी जानकारी के लिए बता दें कोई इस चीज़ के लिए स्पेशल ये दवा नहीं है इनमें ऑप्शनों में जो क्वेश्चन मतलब कि ऑप्शन दिए गए हैं इनमें कोई स्पेशल दवा नहीं है मतलब कि दवा तो है इसमें से लेकिन क्या है ना कि ये दवाइयाँ इस काम में तो थोड़ा बहुत मदद करती हैं इस समस्या में प्लस ये दवाइयाँ और भी में काम में आती हैं जैसे कि यहाँ पर तो भैया ये सब ये सब जो दवाइयाँ हैं ना ये ये तो आपके गैस के लिए हो गई ये आपके पेन के लिए हो गई दोनों ये पर पैराफिटाम और लिमसी जो है ना ये आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करती है और प्लस ये आपको जो विटामिन होती है उसकी पूर्ति करती है ठीक है तो ये आपका क्या है ना इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग करती है फिलहाल सही जवाब यही हो जाएगा डी लिसी अगला के मस्तिष्क में रक्तसराव का क्या कारण हो सकता है तो सिंपल सी बात है स्ट्रोक हो जा रहा है ठीक है यानी कि समस्या हो जाती है स्ट्रोक की अगला प्रश्न प्रस्तुत है कि नकुली चीज़ घुसने से होने वाला घाव तो नकुली चीज़ जब आपको घुस जाती है चाहे सुई हो या फिर कोई चीज़ और भी चीज़ हो सकती है तो घुसने वाला जो घाव है उसको किस नाम से जाना जाता है तो उसको कहा जाता है इन सीजन के नाम से कहा जाता ज्यादा जाना जाता है इन सीज़न के नाम से बी नंबर सही जवाब अगला कि धार दार वस्तु होने वाला घाव यानी कि धार दार जो वस्तुएं होती हैं उनसे होने वाला घाव कौन सा है तो सही जवाब इसका अगर आपको मालूम तो बहुत बताइए कमेंट सेक्शन में सही जवाब हो जाएगा लेस ठीक है लेस रेशन सी नंबर अगला प्रश्न है कि अच्छ तंत्र की चोट शरीर के किस हिस्से से संबंधित है तो अच्छतंत्र की जो चोट है आपके शरीर के जिस चीज़ से संबंधित है उसका नाम बताना है ठीक है चलिए कमेंट सेक्शन में बताइए अगर आपको मालूम है तो सही जवाब इसका हो जाएगा बताइए कमेंट सेक्शन में सही जवाब हो जाएगा इनमें से कोई नहीं ठीक है डी नंबर सही जवाब अगला प्रश्न प्रस्तुत है आप लोगों के समस्त कि यदि घाव से रक्त बह रहा हो तो उसे किस प्रकार रोके ब्लड अगर बह रहा है तो सिंपल से आपको कुछ नहीं करना है साफ कपड़े से उसे दबा कर रखना है ठीक है यदि घाव में रक्त बह रहा है तो आपको यही करना है ठीक है साफ कपड़े से दबा कर ठीक है साफ कपड़े से दबा देना है दबा कर रखना है अगर मान लीजिए कि वो रक्त रुक गया है या फिर आपको समस्या कुछ लग गया था और रक्त रुक गया है तो उसको तुरंत पानी डालकर साफ करना चाहिए ठीक है इस बात को भी ध्यान रखेंगे सफ़ाई जैसे कुत्ता उत्ता काट लेता तो घाव को तुरंत धोना चाहिए ठीक है लेकिन यहाँ पर रक्त बह रहा हो तो साफ कपड़े से उसको दबाना चाहिए अगला कि दो भारी वस्तुओं से दबने होने वाली इंजरी कौन सी है मान लीजिए किसी वस्तु एक वस्तु इधर से कोई वस्तु इधर से है तो उसकी वजह दब जब जाने जैसे कि एक बाइक इधर से आ रही है एक बाइक इधर से आ रही है फिर एक ट्रक इधर से आ रहा है एक ट्रक इधर से आ रहा है बीच में तो एक्सीडेंट नहीं मतलब कि आप एक तरह से बोलते हैं दब गए हों ठीक है तो दबने कौन से कौन सी इंजरी होती है ठीक है तो दबने से जो इंजरी होती है उसका नाम है क्रस इंजरी बी नंबर सही जवाब होगा अगला एक निम्न में से कौन सा घाव की श्रेणी में नहीं है तो इनमें से एक है जो वो फ्रैक्चर है जो कि आपके घाव के श्रेणी में है तो क्योंकि फ्रैक्चर जो होता वो है वो टूटता है घाव नहीं बनता है ठीक है ध्यान रखेंगे अगला प्रश्न प्रस्तुत है आप लोग समझ कि वयस्क मानव कंकाल में हड्डियों की संख्या कितनी होती है आप सभी को अच्छे से मालूम ही होगा नहीं मालूम तो जान लीजिए दो सौ छः आप लोग जानते ही अच्छे से ठीक है मा, वयस्क मानव कंकाल में हड्डियों की संख्या दो सौ छः होती है अच्छे से परिचित हैं आप सभी अगला क्वेश्चन है कि रचना के आधार पर जोड़ों को कितने वर्गों में बांटा गया है ठीक है तो जो जोड़ होते हैं उनको जो बांटा गया है वो तीन वर्गों में डिवाइड किया गया सही जवाब इसका हो जाएगा बी नंबर अगला प्रश्न प्रस्तुत है कि हिंज संधि को एक अन्य किस नाम से जाना जाता है ठीक है तो ध्यान रखेंगे उसको जहाँ तक मुझे जानकारी है घुमावदार संधि के नाम से जाना जाता है बी नंबर सही जवाब होगा अगला प्रश्न प्रस्तुत है आप लोगों के समस्त कि कार्य के आधार पर मांसपेशियों को या फिर मांसपेशी को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है ठीक है तो बताइए कमेंट सेक्शन में अगर आपको मालूम है तो सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी तीन में डिवाइड किया गया है ठीक है तीन भागों में इसको वर्गीकृत किया गया अगला कि वो पेशी जो निरंतर बिना थके हुए कार्य करती है या फिर करती रहती है किस नाम पर जानी जाती है तो उसका नाम है हृदय पेशी अगला प्रश्न है आप लोगों की समझ कि ऐसे फ्रैक्चर जिसमें हड्डी टूटने के साथ त्वचा से बाहर निकल जाती है ऐसे फ्रैक्चर जिसमें हड्डी टूटने के साथ त्वचा फिर बाहर निकल जाती है उसे किस नाम से जाना जाता है तो उसको जाना जाता है ध्यान रखेंगे ठीक है संयुक्त तो फ्रैक्चर के नाम से जाना जाता है डी नंबर सही जवाब होगा ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चों में अधिकांशता होने वाले फ्रैक्चर को किस नाम से जाना जाता है कमेंट सेक्शन में बताइए मालूम है तो हो जाएगा ग्रे स्टिक फ्रैक्चर के नाम से जाना जाता है डी नंबर सही जवाब अगला है शरीर का अधिकांश वज़न किस प्रकार की मांसपेशियों के कारण होता है तो ध्यान रखेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है सही जवाब इसका बताना आप लोगों को कमेंट सेक्शन में सही जवाब बताइए शरीर का अधिकांश वज़न किस प्रकार की मांसपेशियों के कारण होता है बताइए कमेंट सेक्शन में ठीक है फिलहाल सही जवाब इसका हो जाएगा इन अफसरों में से कोई नहीं है सही जवाब हो जाएगा इनमें से कोई नहीं अगला है कि कंधे का जोड़ किस प्रकार के जोड़ का उदाहरण है तो कंधे का जोड़ है ठीक है वो आपका बताइए सैंडल संधि है वो ठीक है क्या है सैंडल संधि के नाम से जानी जाती है ध्यान रखेंगे अगला प्रश्न प्रस्तुत है आप लोगों के समस्त कि निम्न में से कौन सा अंग हमारे शरीर की सारी गतिविधियों को नियंत्रित करता है तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ठीक है उसका नाम है तंत्रिका तंत्र सी नंबर सही जवाब होगा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ध्यान रखेंगे अगला प्रश्न है कि हाई पैथोलमस मानव शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है या कहाँ पाया जाता है ठीक है आप तो हाई पैथोलमस मानव शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है और ये जो पाया जाता है ध्यान रखेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपका किस में पाया जाता है मस्तिष्क में यानी कि दिमाग में अगला क्वेश्चन है कि तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक इकाई किसे कहा जाता है तो तंत्रिका तंत्र की संरचन संरचनात्मक इकाई को कहा जाता है बताइए न्यूफ्रोन कहा जाता है सही जवाब इसका बी नंबर हो जाएगा चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मैंने कि न्यूरोन कितने तरह के होते हैं तो ध्यान रखेंगे जो न्यूरोन होते हैं वो बताइए कमेंट सेक्शन में अगर आपको मालूम है तो, तो सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ठीक है तीन प्रकार के होते हैं तीन तरीके के होते हैं ध्यान रखेंगे तीन तरीके का अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा मस्तिष्क का भाग नहीं है ठीक है तो इन ऑप्शनों में न्यूफ्रोन शायद मस्तिष्क का भाग नहीं है यही सही होगा डी नंबर अगला क्या है अगर कोई व्यक्ति निम्न सरकरा के कारण बेहोश हो जाता है तो उसे प्राथमिक उपचार में क्या खिलाना पिलाना चाहिए तो उसको ग्लूकोज जो आप लोग देखते हैं गर्मियों के सीजन में जो डॉक्टर लोग ग्लूकोज देते हैं वही पिलाना चाहिए ठीक है चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न कौन सा है प्रश्न अंक नि में से कौन सिर की चोट नहीं है तो इसमें से एक ही है स्ट्रेन ये सर की चोट नहीं बाकी सभी हैं इसलिए सही उत्तर डी हो जाएगा तो इसी प्रकार के इस वीडियो में और भी क्वेश्चन पूरे हंड्रेड क्वेश्चन है और हंड्रेड के सामने उसका उत्तर भी लिखा है सामने देखिए मैंने टिक भी करा दिया है ठीक है तो आपको ये पूरी की पूरी पी आपको हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप पर मिल जाएगी तो वहाँ पर डाउनलोड करके ये पूरी, -पूरी question, की पूरी हंड्रेड जो क्वेश्चन आंसर की पी डी एफ़ है सॉल्वड ये आप लोग डाउनलोड करके तैयारी कर लीजिएगा काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी समय ज़्यादा है नहीं इसलिए हम सारे क्वेश्चन नहीं कवर करेंगे बस आपको पी डी एफ़ दे देंगे टेलीग्राम व्हाट्सएप पे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का ग्रुप मिल जाएगा उससे ज्वाइन होकर आप मैसेज कर दीजिएगा और ये आपका अपना ये चैनल सक्सेसड हुए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा जय हिंद